तो और भाई क्या हाल चाल है सभी लोग के, सभी लोग का स्वागत है भाई आज की नई वीडियो के अंदर। तो यार आज सभी के बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं कि यार अभी यहाँ पे जो Evo M1014 भाई अपन सबको कब तक अपनी गेम के अंदर रिटर्न देखने को मिलने वाली है। तो आपके जितने भी कन्फ्यूजन हमारे Evo M1014 से रिलेटिव मैं सारे कन्फ्यूजन मैं इसी वीडियो के अंदर एकदम दूर करने वाला हूँ। तो मेरी जिगर के झिल्लो मेरे प्यारे प्यारे भाई हो, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा भाई वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, छोटा सा लाइक है मैं 40 लाइक है तो प्लीज लाइक जरूर से कर देना। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो देखो भाई अपन जो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे से जरूर से कर, क्योंकि भाई अपन सबको 20 के सब्सक्राइबर काफी जल्दी रीच करने हैं। तो मेरे जिगर चलो मेरे प्यारे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब जैसे कर देना, वीडियो जैसे कर देना। एंड कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो प्लीज कमेंट से पूछना, हम लोग करते वीडियो। देखो भाई एक भाई हमारे कमेंट में पूछते हैं कि भाई अपने अभी जो Evo M1014 है ये अपन सबको कब तक रिटर्न देखने को मिलने वाले। सर जी मैं ये जो वीडियो है ना मैं Evo M1014 से रिलेटिव बना रहा हूँ, आप बस वीडियो को एंड तक देखो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई Evo M10 कब आएगी एंड उसके अंदर कितने डायमंड वगैरह सब कुछ लगने वाले। तो एक भाई पे कमेंट करके बोलते हैं ब्लैक टी शर्ट है ना भाई अपन सबको कब तक रिटर्न देखने को मिल जाएगी। एंड देखो मैं आपको एक चीज बात हूँ कि यार ये जो ब्लैक टी शर्ट है ना सर जी, ब्लैक टी शर्ट होगी, व्हाइट टी शर्ट होगी और जो अपने यहाँ पे विंटर के बंडल्स हो गए, ये सब आपको भाई अपने विंटर विश इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मेरे भाई यहाँ पे ना हमारा पॉसिबल निकल के आ रखे 15 जनवरी तक आ जाएगा। हाँ दोस्तों आप सबको ना यहाँ पर हमारा विंटर विश इवेंट ना हमारे यहाँ पर 15 जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगला कमेंट हमारे एक भाई करते हैं और ये भाई बोलते हैं कि भाई अपने गेम के अंदर अपन सबको ना जो रोज रिमोट है ना वो कब तक रिटर्न देखने को मिलेगा। देखो सर जी रोज रिमोट हो गया और पावर ऑफ मनी और अगर हमारे पे थ्रोन रिमोट, फाइट्स रिमोट, फ्लैग रिमोट, ये जितने भी रेयर रिमोट ये भी आपको ना हमारे यहाँ पे जो इमोट पार्टी इवेंट आते हैं ना उसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब आपको पता होगा इसके हमारे यहाँ पे जनवरी मंथ के अंदर एक इमोट पार्टी इवेंट आने वाला है, हालांकि कब आएगा ये तो पता नहीं चला है बट इतना पता कि जनवरी मंथ के अंदर आ जाएगा। तो पॉसिबल निकल कर भाई आपको उसके अंदर हमारा ये जो रोज इमोट है ना रिटर्न देखने को मिल सकता है। भाई इमोट पार्टी के इवेंट के अंदर आपको सारे जो ओल्ड ओल्ड इमोट्स होते हैं ना और जो रेयर इमोट्स है वो सब आपको उसके अंदर रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, इसलिए पॉसिबल तो यही है कि आपको इमोट पार्टी के अंदर देखने को। तो दोस्तों ये तो थे हमारे कुछ कमेंट्स जो कि मेरे भाई को कन्फ्यूजन है, अगर गाइस आपका भी कोई कन्फ्यूजन रहता ना तो आप लोग बस कमेंट पूछ लिया करो, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर से उसका रिप्लाई। दोस्तों अगर आप एक फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर हो ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा एक अच्छी न्यूज़ है कि अपने यहाँ पे जो कलारी मैप है ना वो अपना गेम के अंदर रिटर्न आने वाला है, BR एंड CS दोनों के अंदर आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। साल से फ्री फायर खेल रहे हो मुझे कमेंट से बताना, मुझे क्या टोटल 4 साल हो चुके हैं फ्री फायर खेलते खेलते एंड मुझे यार ये कलारी मैप काफ़ी ज़्यादा मतलब CS में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, बाकी यहाँ पे हमारा CS में BR मुझे बेस्ट लगता है, नेक्स्ट ईयर जितना खास लगता नहीं है। अपना कलारी मैप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैप है, इससे हमारी पुरानी पुरानी यादें जुड़ी है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये मैप, क्योंकि भैया इसको देखते ना हमारी जो ओल्ड मेमोरीज होती है ना वो भैया ताज़ा एकदम हो जाए। दोस्तों अपनी गेम के अंदर एक तरह का बैनर आने वाला है जिसके अंदर आपको देखो जो हमारे Evo वर्ल्ड इवेंट चल रहा है ना तो उसका एंडिंग सून का जो बैनर है ना वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इसके ड्रैगो की 47 है, ये सब हमारे जो एंड होने वाले इसके जगह हमारे न्यू गन की स्किन आने वाली, मतलब कि न्यू Evo वर्ल्ड आने वाला है। अब न्यू Evo वर्ल्ड कौन सा है मैं आपको वो भी एक बार यहाँ पे दिखाया, तो न्यू Evo वर्ल्ड है ना भैया अपने यहाँ पर स्कॉर्पियन M1014 वुड पिकर फार्मास और थॉमसन का देखने को मिलने वाला है। आपका नया थॉमसन ही हमारे Evo स्कार है, तो ये 4 गन की स्किन आपको जो नेक्स्ट Evo वर्ल्ड Evo वर्ल्ड का रिंग इवेंट है ना उसके अंदर देखने को मिलेगा। मैं आपको ये भी कन्फर्म कर देता हूँ ये ना कैसे हमारे यहाँ पे 2 जनवरी को मॉर्निंग में 4 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसके डायमंड की बात करें कि इसको निकालने में कितने डायमंड लग जाएंगे तो यदि कोई आपके 11 डायमंड होने लगे, लास्ट आपके 1500 डायमंड लेंगे इससे आपके डायमंड नहीं लगे, बट भाई आपका लक खराब हो रहा है कि उनकी स्किन आपको बार बार मिले तो इसमें तो भाई क्या है लक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है अब गाइस यार आपको यहाँ पे जो मैं न्यू वाले Evo वुडपिकर की स्किन है ये कैसे गई मुझे कमेंट में से बता देना, काफी अच्छी स्किन लगी है और इसके यार मतलब वुडपिकर तो काफी ऑलरेडी अच्छी स्किन है और जब उसकी Evo स्किन आ जाएगी तो भाई क्या ही बात होगी। बट मैं सही बताऊँ तो मुझे यार ये सब जो अब गेम में हो रहा है ना Evo वाला सिस्टम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, हमारा पहले यार बिना Evo गन की स्किन का ही कितना ज़्यादा क्रेज़ था तो वो तो भैया अलग ही चलता है। अब एक कोबरा 40 दिमित्री सोनिया क्या ही बोले यार ऑटो रिवाइव भैया अच्छी लगता है यार, पहले जो सीन था ना भैया ओल्ड इज गोल्ड कहते ना वो सची में ओल्ड इज गोल्ड ही था, पहले का जो मैप था, पहले का जो गेम प्ले था, पहले के जो फ्रेंड के साथ खेलना था, तो भैया मैं अकेले खेलता हूँ क्योंकि आपको यार दोस्ती नहीं बचे खेलने वाले तो क्या ही बोले पुरानी बातें हैं। गाइस इन बातों को छोड़ते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। देखो भैया आपको ना अपने गेम के अंदर जो बिजोन गन का जो फेडेबल था ना वो तो आ चुका है, अब उसके बंडल आने वाले जैसे कि यहाँ पे देखो ये फंडामेंटल का हमारा एक बंडल है देखो देखने मिलने वाला है, इसी के हमारे एक क्षमे का बंडल भी है वो भी आपको इसी के थीम पे देखने को मिलने वाला है। अभी जो मेल का बंडल है फीमेल का बचाना गाइस पॉसिबल निकल के आ रहा है गाइस कि आपको ना
हमारे रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। वैसे बताना मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ना बिजोन गन पसंद आई है, ना ये वाले हमारे बंडल पसंद, एकदम टट्टी से बंडल है, कोई इसमें खास एनिमेशन नहीं है, ना ही कैसे दिखने में भी अच्छे है, तो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। आपको जो बंडल है कैसे अगर मुझे कमेंट से बता देना, एंड अगर आप उसको 10 में से रेट करते हो तो कितना रेट करोगे ये भी कमेंट से बता देना। बाकी भाई मैं तो उसको 10 आउट ऑफ 1 नहीं 0 रेटिंग करता हूँ, कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है यार। और इसके बाद ना क्या दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने ना यहाँ पर फरवरी मंथ का जो बुइया पास है मैंने उसका रिव्यू कराया, आप लोग चाहो तो भैया विजिट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बुइया पास है इसके, मैंने सभी से सभी की सभी रिवॉर्ड्स ना एकदम अच्छे से रिव्यू कराए हैं, तो आप लोग जाके विजिट जरूर से। और देखो भाई यहाँ पे ना कल के दिन अपनी जो रैंक गिर जाएगी ना, न्यू रैंक से स्टार्ट होगा, तो उसके बाद आपको एक स्क्वाड प्रोटेक्शन पॉइंट वाला एक यहाँ पे कार्ड देखने को मिलेगा। अब इस स्क्वाड प्रोटेक्शन पॉइंट से क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। देखो अगर आपके टीममेट में किसी ने भी अगर इसको इक्वाइप कर रखा है ना, तो इससे कैसे क्या होगा कि मान लो आप लोग यहाँ पे उतरते मर गए ना, तब भी आपके स्क्वाड में से ना किसी के माइनस नहीं लगेगा, पूरी स्क्वाड के जो रैंक है ना वो बच जाए। तो ये मुझे काफी सही लगा कि भाई इससे ना अपने यहाँ पे मतलब अगर गलती से भी मर जाते ना तो बहुत गंदी मार सकती, जो कि प्लस करने में भाई नानी आ जाती है। और अगर आप लोग कौन से रैंक पे हो कमेंट में मुझे जरूर से बता देना। भाई मैं इस ग्रैंड मास्टर मास्टर पूछ 6000 पॉइंट के साथ 6500 पॉइंट के साथ, तो आप लोग कितने पॉइंट्स हैं मुझे कमेंट से बताना, कौन सी रैंक पे, क्योंकि कोई कल तो रैंक सीजन गिर जाएगा ना, तो इसलिए कोई मतलब है नहीं। बाकी आप लोग मुझे कि आपने इस सीजन में कितना पुश किया है एंड कौन सी रैंक तक भैया लास्ट। तो दोस्तों हम लोग फाइनली बात करते हैं कि अपने यहाँ पे जो वो M1040 कब तक अपने गेम के अंदर अपन सबको रिटर्न देखने को मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सर्च जरूर से कर देना, जिससे आपको डेली ही ऐसे नोटिव वीडियो से इस चैनल मिलती रहेगी। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि अपन को 20K सब्सक्राइबर रीच करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर से कर दे। तो देखो भाई आपको मैं बता दूं कि अपने जो ईवो M1040 ना अभी हाल ही में गए अक्टूबर मंथ के अंदर अपने यहाँ पर ईवो वर्ल्ड के रिंग इवेंट के अंदर आके गए, बहुत सारे लोगों ने उसे निकाला भाई, बट जो नहीं निकाल पाए वो मुझे रोज कमेंट के पूछते हैं कि भैया यहाँ पे अपनी ईवो M1040 कब आएगी। देखो सर जी आप सभी भाइयों के लिए मैं एक यहाँ पे क्लिक कर दूँ कि ईवो M1040 या फिर कोई भी रेयर बंडल हो गाइस, वो हमें उसकी वो ना हमेशा हमको गई ना हमेशा लेट देती है, मतलब गाइस हमारे 6 से 7 महीने के बाद देती है, क्योंकि भैया अगर हमको वो जल्दी जल्दी दे देगी ना तो उसकी रेयरिटी यानी गाइस उसकी जो वैल्यू है ना खत्म हो जाएगी। इसलिए गाइस आपको ईवो M1040 ना गाइस हमारे यहाँ पर जो अभी 2024 का गाइस अगस्त मंथ आएगा, अक्टूबर मंथ आएगा, सितंबर मंथ आएगा ना, तभी जाके आपको ये रिटर्न देखने को मिलेगी। उससे पहले तो गाइस पॉसिबल नहीं है कि आपको रिटर्न देखने को मिले, तो आप लोग में भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा, बट सर उससे पहले कोई भी चांसेस नहीं है कि आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यार अभी ये हाल ही में आके गई है, इसलिए आपको ये अभी के टाइम देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जितना कन्फर्म है कि 2024 का जो अगस्त मंथ आएगा ना उसके अंदर गाइस आपको हमारे यहाँ पर वो M1040 ना रिंग इवेंट के अंदर वापस एक बार आपको सभी को मॉर्निंग में 4 बजे देखने को मिलेगी। इस बार गाइस आपको स्किन निकालने में कितने डायमंड लगे थे अगर आपने स्पिन किया था, और अगली बार आएगी ना तो उसके आई थिंक कोई ज़्यादा डायमंड दिखाएगी कहीं ना, हमेशा पिछली बार से ज़्यादा डायमंड लगे ऐसे कोई इवेंट लाती है। तो बस कहते अगर आपको कोई से कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट भी उसे पूछे ना, वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो वीडियो को एक लाइक उसे कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे से जरूर से कर देना, जिससे आपको भाई डेली ही ऐसी नोटिव वीडियोज चैनल मिलती रहेगी। सो अगर मिलते हो ऐसी वीडियो के साथ, तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री।